बुरहानपुर सीट दिलचस्प है, वहाँ पर बीजेपी की बढ़त। हाँ, बुरहानपुर सीट पे बीजेपी की बढ़त का मतलब है कि जो नंद कुमार चौहान का बेटा वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, 3 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी जादूगर ही छूमंतर, क्योंकि माय बात जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। तो ये सुना रहे हैं हम किस तरीके के से दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में बयान दिए, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जादूगर का जादू राजस्थान में छूमंतर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जादुई आंकड़े पर राजस्थान में डटी हुई है। 100 का वो जादुई आंकड़ा है, 199 विधानसभा सीटें जहां पर काउंटिंग हो रही है, और कांग्रेस 85 पर है, मतलब साफ तौर पर बीजेपी मजबूत स्थिति में राजस्थान में, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी, और वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ पर नजर डालिए, कांग्रेस 46 जादुई आंकड़ा, और चित्रकूट से कांग्रेस के दीपक बैज आगे चल रहे हैं। दीपक बैज सांसद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, और ऐसे में छत्तीसगढ़ जादुई आंकड़ा हासिल करते हुए कांग्रेस कहां की बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मेरे को लगता है मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बदलेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रुझान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपका कंट्रोल सेंटर, मतलब कांग्रेस आगे आ सकती है, आगे आ जाएगी, और राजस्थान में और पीछे आएगी, राजस्थान में कांग्रेस और पीछे, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे आ जाएगी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी नहीं आएगी ये नहीं कहता, लेकिन छत्तीसगढ़ जो आप पूछ रही थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 से डबल हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि देखिए रिजल्ट क्या होगा अलग बात है, लेकिन शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर उभर रही है, आपका कहना यह है कि उसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान एक बार फिर से आपको बता दूं, 9:21 हो रहे हैं, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, और ऐसे में 1 घंटा 21 मिनट की काउंटिंग, और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है जिसमें दो राज्य और आंकड़े बदल रहे हैं और तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर बदल रही है, मतलब अभी भी सियासी खेल होना बाकी है। सत्ता किसके हाथ में रहेगी, कहां से फिसल जाएगी, लीजिए मध्य प्रदेश में देखिए आंकड़ा तेजी से बदलता हुआ, बीजेपी 115 पर और कांग्रेस 111, 4 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई, अन्य यहां पर इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीर बेहद दिलचस्प मध्य प्रदेश की होती हुई नजर आ रही है, 115 111। हाँ, निश्चित तौर पे ये पैटर्न थोड़ा सा अभी बदल रहा है और बीजेपी लगातार आगे चल रही है, पर अभी कुछ भी कहना कठिन है क्योंकि कांग्रेस भी पीछे पीछे नजदीक। 2018 की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्लोज रहे, मतलब करीबी रह सकता है मामला 2018 की तरह मध्य प्रदेश में। ABP News आपको रखे आगे।